प्रभाष सिंह डीवीएस एग्रो प्राइवेट लिमिटेड में। दोस्त आज हम बात करें धनबाद में, झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं और यहाँ पर सर ने इस मशीन को ऑर्डर किया था। ऑर्डर करने के बाद पूरा मशीन खुल करके आया, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने के लिए मैं चार पैकेट में आया और यहाँ पर आ करके मशीन को असेंबल किया गया, असेंबल करके यहाँ पर चलाया गया। चलाने के बाद में मशीन का कैसा परफॉर्मेंस रहा या मशीन से सर ने क्या अपेक्षाएँ की, यूट्यूब के माध्यम से मात्र देखा गया और इन्होंने कभी आसपास देखा नहीं, क्योंकि यहाँ से 600-650 किलोमीटर की दूरी पर जहाँ पर हम लोग मशीन की मैन्युफैक्चर करते हैं वहाँ पर था। तो सर बिना आए बिना देखे हुए सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर किया। ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद में होता क्या है, आजकल के ऑनलाइन के दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सी कंपनियाँ ऐसी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि दिखाते कुछ हैं भेजते कुछ हैं, है ना सर, भेजते हैं क्या सर? ये जब जो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, जैसा वीडियो में चल रहा था आपने, या जैसा हमारे डीलर द्वारा या जैसा हमारे क्लाइंट द्वारा बताया गया, क्या उस अनुसार से परफॉर्मेंस कर पा रहा है आपके खेतों में? जी हाँ सर, उससे भी हमको तो लगता है कि कुछ ज्यादा ही, उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया। चलिए बहुत अच्छी बात। यूट्यूब में देखे थे है ना, तो यूट्यूब में तो खैर वो फोटो से देखते हैं, लेकिन बाकी जो है कि जो प्रैक्टिकल देखे अभी उसके अनुसार मैंने ये अच्छा है। तो देख सकते हैं कि आप सर एक बार आप बताएंगे कि आपका पूरा एड्रेस क्या है और इस मशीन को कैसे आपने ऑर्डर किया और कैसे आपके पास पहुंचा और कहां से आप लाए, थोड़ा सा दो शब्दों के अंदर बताएंगे, थोड़ा पास आ जाइए आप कैमरे के। सर ये यूपी लखनऊ से मंगवाए और तो ऑर्डर आपने कैसे दिया, कैसे पेमेंट किया और बाकी का पेमेंट कैसे किया, ये सारी चीज़ें दो मिनट के वीडियो में बताएंगे। ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट किया, मतलब पहले जब आपने मशीन बुक किया तब आपने पेमेंट किया? हाँ, और कुछ पेमेंट करने के बाद में जब आपका ये मशीन जो किस ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आया, वीआरएल के माध्यम से आया। वीआरएल में आपको ये मशीन कहाँ से, आपके घर से कितना किलोमीटर दूरी पे मिला? यही मेरे करीब 25 किलोमीटर, 20 से 25 किलोमीटर जहाँ हमारा सर्विस होता है, वीआरएल का सर्विस होता है, 20 से 25 है, वीआरएल का सर्विस होता है, अदरवाइज नेटको है, जीटीआई है, काफी सारे ट्रांसपोर्टों से हमारा अटैचमेंट है। जहाँ पर नजदीक होता है कस्टमर का सर्विस वहाँ पर हम लोग मशीन को भेजते हैं। तो वहाँ से आप मशीन को लेने गए, जब मशीन लेने गए तब आपने बाकी का पेमेंट किया, कुछ पेमेंट आपने पहले किया? पहले किए थे, फिर बाद में किए। फिर जब मशीन लेकर के आ गए, मशीन लेने के बाद में असेंबल करने के लिए हम बहुत ही कम जाते हैं, लेकिन सर ने खास तौर पर हमें बुलाया गया था, बुलाया गया इसलिए यहाँ पर आए और मशीन आप लोग देख सकते हैं। आगे की वीडियो में आपको दिखाएंगे मशीन चलता हुआ कैसा है, क्या है भैया। बाकी आप लोग जिस तरीके से खेत में देखे हैं थोड़ा सा चलता हुआ, तो आपको क्या लगता है मशीन कैसा चल रहा है? मशीन ठीक है चल रहा है। आप भैया बताएंगे ठीक है चल रहा है मशीन? तो आप ठीक, देखिए जो लोग यहाँ पर हैं पहली बार, भैया ने चलाया पहली बार, चलाने में आपको कैसा लगा? पहली बार थोड़ा सा तो ये लगा हमको कठिन बुझाया, फिर दूसरा बार जब चलाए तो थोड़ा आसान बुझाया, फिर चलाते चलो और आराम हो जाएगा। बिल्कुल एक नया तरीके का मशीन है, किसी प्रकार का किसी को एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जब लोग 1-2 दिन चलाता है फिर आसानी से चलने लगता है। दोस्त अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता हो, हमारा वीडियो अच्छा लगता हो, अगर आपको लग रहा है किसानों को कुछ हेल्प कर पा रहे हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जरूरतमंद किसानों से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।